अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बांध में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। देश में लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव पर बहस चल रही है। मौजूदा सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां इस बात का खंडन करते हुए विरोध करती हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने अचानक से संसद का सत्र बुलाया है और इस सत्र में ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों से निकल कर आ रही है। क्या है पूरा खेल इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दो बैठक विपक्ष कर चुका है और तीसरी बैठक कर रहा है। पहले 26 दल एक साथ थे, लेकिन अब 28 दल साथ होने का दावा किया जा रहा है। मतलब एनडीए के 38 के जवाब में विपक्ष भी अपना कुनबा लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब ये कुनबा और बढ़ने वाला है। मतलब मोदी को हराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसा मानना विपक्ष का है कि वो इस बार तो मोदी को हरा ही देंगे, क्योंकि इस बार अगर नहीं हरा पाए तो फिर आगे से देश में चुनाव ही नहीं होंगे। इसी जोड़ तोड़ के बीच मोदी ने भी एक झटका दिया और संसद सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। अभी हाल ही में 11 अगस्त को मॉनसून का सत्र खत्म हुआ है और इसके बाद शीतकालीन सत्र भी आने वाला है, लेकिन इन दोनों सत्रों के बीच में मोदी का ने विशेष सत्र बुलाया है और वो बताता है कि इन 5 दिनों के भीतर सत्र में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि चिंताओं की भारी लकीर बीजेपी के चेहरे पर भी है और इन्हीं लकीरों को छिपाने या कहें कि मिटाने की कवायद में सरकार ने विशेष सत्र का ऐलान कर दिया। जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें 5 बैठकें होनी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को ट्वीट कर ये जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि ये सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाने वाला है। सरकार के पास अधिकार, अब अचानक से फैसला लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचना तय था। दरअसल सरकार ऐसा सत्र बुला सकती है। आर्टिकल 85 के तहत सरकार को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। क्या होने वाला है इस सत्र में? जब सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है तो सवाल उठने लगे कि जब विपक्ष मुंबई में मीटिंग कर रहा है, मोदी के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, मोदी को कैसे हराया जाए, तब ऐसा फैसले के दो ही अर्थ निकल सकते हैं। पहला तो विपक्ष की मीटिंग का ध्यान भटकाना हो सकता है और नए मुद्दे में फंसाने का भी हो सकता है, और दूसरा जो कारण है वो है सरकार इन 5 दिनों में कुछ अहम बिल पेश करवा सकती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक आकार दिया जा सकता है, भारतीय दंड संहिता को जो बदल कर भारतीय न्याय संहिता किया गया है उस पर बहस की जा सकती है, और सबसे बड़ी बात एक देश एक चुनाव पर भी बहस की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यूसीसी का फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि सरकार इन 5 दिनों के भीतर 10 बिल पेश करवा सकती है। इनमें से एक देश एक चुनाव का बिल भी लाया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक देश एक चुनाव का बिल होगा पेश, ऐसा हो सकता है कि इन 5 दिनों में बिल पेश कर शीतकालीन सत्र में उसे पास करवाया जा सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ पर राजनीति पहुंच चुकी है, क्योंकि विपक्ष भी और सत्तारूढ़ दल भी दोनों इस चुनाव को जीतने की तिकड़म लगा रहे हैं, और ये फैसला भी इसी खेल का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि लॉ कमीशन भी एक देश एक चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से 6 सवाल पूछ चुका है। 22वें लॉ कमीशन ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से इसे लेकर सवाल किए थे। एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। हंग असेंबली या आम चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत ना हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि राजनीतिक दलों ने लॉ कमीशन के पास अपने जवाब दाखिल किए हैं या फिर नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त के हालात ये हैं कि मौजूदा सरकार ये चाहती है कि एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला अपनाया जाए। यहाँ आपको एक बात और बताते चलें कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव
वक्त से पहले करवाए जा सकते हैं। और खबरें ऐसी भी हैं कि लुटियन जोन में भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो जैसे ही सत्र बुलाया गया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में लोकसभा चुनाव इसी साल करवाए जा सकते हैं और एक देश एक चुनाव पर भी विचार किया जा सकता है। अब एक बात आप और सुन लीजिए कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मुंबई में होने वाली बैठक से पहले कहा था कि अगर 2024 में मोदी को नहीं हराएंगे तो संभावना है कि उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, बीजेपी संविधान में संशोधन कर सकती है। कपिल सिब्बल खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? एक लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र को ही क्या खत्म किया जा सकता है? हालांकि कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, हो सकता है बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन यहाँ अब नजरें टिक गई हैं कि 5 दिन तक चलने वाले सत्र में क्या होने वाला है। इस सत्र को बुलाकर मोदी ने आखिर सबकी सांसें तो अटका ही दी हैं। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस सत्र में होता क्या है। इस सत्र को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो, मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता, और मैं बता दो पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, क्योंकि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े मेरा, उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा, हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती। और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य हैं, कर तो होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है, और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं, कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है, उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के, जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े ऐसे राज्यों में से, वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं, देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया, उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें, और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे, ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए, लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है।
और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है।